अभी सब्सक्राइब करें एनके डिजिटल पॉइंट और दबाए बेल आइकन सबसे पहले टेक गेमिंग एंड एडिटिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं रहीम खान, सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं एनके डिजिटल पॉइंट। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में, उसका नाम था डिजी लॉकर, जिसके अंदर आपके जितने भी सर्टिफिकेट है, जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स है, सभी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, जितने भी सरकारी काम है आप वहां से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस एप्लीकेशन का नाम है उमंग। दोस्तों, अभी अभी हमारे पीएम साहब ने इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। वैसे तो आपको प्ले स्टोर पर काफी दिनों से मिल रही थी, लेकिन अभी ये आपको बिल्कुल पूरी तरीके से काम करेगी एप्लीकेशन। दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर आपको क्या फायदा मिलने वाला है दोस्तों, मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आप पैन कार्ड बना सकते हैं, पासपोर्ट बनवा सकते हैं, ठीक है, जितने भी सरकारी काम है आप वहां से कर सकते हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको वहीं पर मिल जाएगा, देखने को मिल जाता है, ठीक है, अपनी आपकी जो की आरसी आपको वहां पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपने करनी है गैस बुकिंग तो भी आप वहां से कर सकते हैं सब चीज, ठीक है। आपने लोन लेना है, जो जितने भी सरकारी काम हो दोस्तों, आप इसके अंदर से कर सकते हैं। बहुत अच्छी एप्लीकेशन स्पेशल बनाई गई है, ये हम लोगों के लिए बनाई गई दोस्तों, क्योंकि आपको पता है हमारे पीएम साहब जो डिजिटल बना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखते रहिए दोस्तों, मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप जो है इस एप्लीकेशन के अंदर से क्या कर सकते हैं और क्या आपको इसके अंदर मिलने वाला है। बहुत अच्छी एप्लीकेशन, तो वीडियो स्किप मत करना मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने अपना मोबाइल ओपन कर लिया और मोबाइल ओपन करने के बाद दोस्तों चलिए हम कर लेते हैं प्ले स्टोर ओपन, ठीक है। सबसे पहले तो चलिए हम प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं, ये रहा प्ले स्टोर। और दोस्तों, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है उमंग। जैसे हम उमंग लिखते हैं तो हमारे सामने ये एप्लीकेशन आ जाती है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, मैं अपने चैनल पर कोई फेक एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताता मेरे भाई। ये एप्लीकेशन जिसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ आपके लिए बहुत अच्छी है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर इसकी रेटिंग की बात करें दोस्तों, 4.5 इसकी रेटिंग है, आप देख लीजिए, मैंने इसको पहले डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, आपने यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है, इसकी जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके दिखता है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको ओपन करके, ठीक है। तो चलिए हम कर लेते हैं इसको ओपन। दोस्तों, जैसे ही मैं एप्लीकेशन ओपन करते थे यहाँ पर ऑप्शन आता है, अगर आप न्यू है तो आपने साइनअप करना है, नीचे गूगल से साइनअप कर सकते हैं, फेसबुक से साइनअप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको आपके आधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। मैंने पहले इसमें जो है साइनअप किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाए गए हैं, आधार कार्ड से भी आप लॉगिन कर सकते हैं और मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और चलिए हमने कर लिया यहाँ पर लॉगिन, ठीक है। और जैसे हम लॉगिन करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने जो मेन पेज आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है आपके सामने दिखाई देंगे आपको सबसे पहले, और जो सबसे पहली सेवा इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है वो है पैन कार्ड सेवा, ठीक है। आप यहाँ से पैन कार्ड बनवा सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख लीजिए स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाया था, मैंने आपको बताया था पैन कार्ड बना सकते हैं। तो आप यहाँ से न्यू पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, EKYC द्वारा पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। EKYC द्वारा पैन कार्ड अप्लाई कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। और इसके लिए आप मेरे पास कमेंट्स कर दीजिएगा अगर आप बनवाना चाहते हैं जल्दी, मैं इसको कोशिश जल्दी बनाने की, ठीक है मेरे भाई। तो आप यहां से पैन कार्ड बना सकते हैं, ठीक है, ट्रैक कर सकते हैं अपना पैन कार्ड, यहां से ट्रैक कर सकते हैं अगर अपना पैन कार्ड बनना दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया पैन कार्ड से। उसके बाद है दोस्तों पासपोर्ट सेवा, आप यहां से पासपोर्ट बनवा भी सकते हैं, ठीक है, केंद्र खोज सकते हैं जहां पर पासपोर्ट बनते हैं, शुल्क कैलकुलेटर कर सकते हैं आप यहां से कितना चार्ज होता है पासपोर्ट बनाने में, ठीक है। यहां पर स्थिति ट्रैक कर सकते हैं, आपको पासपोर्ट आपका बना या नहीं बना, ठीक है, वो सब आपको यहां से कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए। ऑनलाइन जॉब आवेदन प्रणाली, ये भी अच्छी सेवा है आपके लिए, अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं अच्छी जॉब तो आपको यहाँ पर मिल जाती है। सूचना बोर्ड पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से, तो जो भी आपके लिए जॉब होगी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप यहाँ से जॉब भी आवेदन कर सकते हैं मेरे भाई, ये भी अच्छी सेवा आपके लिए। उसके बाद है इंडियन गैस सर्विस, अगर आपके पास कनेक्शन है इंडियन, भारत या फिर HP का, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके जो है आप देख लीजिए, तो यहाँ से आप रिफिल ऑर्डर कर सकते हैं, रिफिल इतिहास देख सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है, आपका सब्सिडी छोड़ दे या फिर इस तरह का जो भी आप काम कर सकते हैं, आप यहाँ से बैंक खाता सीडिंग कर सकते हैं, बैंक खाता जोड़ सकते हैं, ठीक है, अपने कनेक्शन के अंदर, तो आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं मेरे भाई। अगर आपके पास है कनेक्शन गैस का तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आधार कार्ड सेवा आपको इसके अंदर मिलने वाली दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी डिजी लॉकर के ऊपर, ये जो एप्लीकेशन है डिजी लॉकर से कनेक्टेड है, ठीक है, आधार कार्ड आपका डिजी लॉकर के अंदर है, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका आधार कार्ड जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा दोस्तों, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है डिजी लॉकर से कनेक्टेड है। तो ये तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी डिजी लॉकर वाली वीडियो, ठीक है, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक बार देख लीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा डिजी लॉकर क्या है और क्या काम करता है। उसके अंदर आप जो है अपने जितने भी सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट्स आपको सब कुछ उसके अंदर मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आधार कार्ड सेवा दोस्तों।
और जैसे हम नीचे करते हैं, चलिए हम देख लेते हैं इसकी सभी सेवाएं जो हमें यहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों, वो देख लेते हैं। यहाँ पर भारत बिल पे देख लीजिए आप, ये भी बहुत अच्छी सेवा है अगर हम देखें, ठीक है। इसके अंदर आप जो है बिल पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हैं, गैस बिल दे सकते हैं, वाटर बिल दे सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे भाई। तो ये भी अच्छी सेवा हमें जो मिल जाती है यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन के अंदर यह सब कुछ। आप आयकर का भुगतान करें अगर आप रिटर्न भरते हैं तो भाई ये भी आपके लिए बहुत अच्छी है, तो यहाँ से आप जो है रिटर्न भर सकते हैं अपना, ठीक है। ये भी अच्छी सेवा आपके लिए मिल जाती है आपको यहाँ पर, ठीक है। EPFO ये पता नहीं क्या है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। इदारा भूमि रिकॉर्ड ये भी कुछ होगा भाई इसके बारे में मुझे। ई पाठशाला ये भी अच्छी है आपके लिए, ठीक है। तो आप ई पाठशाला पर क्लिक कर, अगर आप छात्र हैं मेरे भाई तो आप यहाँ पर नाम, क्लास और विद्यालय का नाम लिख कर यहाँ पर जमा करें तो आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर बुक मिल जाती है, ठीक है। अध्यापक है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये भी सेवा आपके माता पिता है, शिक्षक है, आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम दिया गया है ई पाठशाला। ये आपके मतलब की हो सकती है अगर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस पर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद देखिए ऑनलाइन जॉब मैंने आपको बताया था पीछे, तो यहाँ पर जॉब के लिए आप भी परिवहन सेवा वाहन, ये भी अच्छी है वाहन, ये यहाँ से क्या करता है डिजी लॉकर से कनेक्टेड है ये भी, ठीक है। अगर आपके पास जैसे आपकी RC है वो डिजी लॉकर में कनेक्टेड है, डिजी लॉकर से कनेक्टेड है ये एप्लीकेशन, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो RC आपको यहाँ पर दिखाई देगी मेरे भाई, ठीक है। तो आपको देख लीजिए, डिजी लॉकर से कनेक्ट कर लीजिए इसको, जब आपने उससे पहले आपको डिजी लॉकर में जो है साइनअप करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर किया हुआ है लेकिन उसमें टाइम लगता है अभी ओपन होने में। तो सारथी परिवहन सेवा सारथी यहाँ पर आपको आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको दिखाई देने वाला है दोस्तों। नीचे देख लीजिए आप डिजी लॉकर से ड्राइविंग लाइसेंस देखे, ठीक है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है अगर आपके पास डिजी लॉकर है और डिजी लॉकर से कनेक्टेड है आपका जो आधार कार्ड, ठीक है। तो आपके आधार कार्ड से जो लिंक है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये भी आपको सेवा अच्छी मिल जाती है यहाँ पर। पेंशन भोगियों का पोर्टल यहाँ पर है, अगर आप पेंशन लेते हैं तो यहाँ पर सब कुछ ही मिल जाएगा आपका सिस्टम जो कुछ भी है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। फसल बीमा, फार्मा, ये बहुत है। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। अपना मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड अगर बना रखा तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए बहुत सेवा है जो आपकी मतलब की है दोस्तों, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। उम्मीद है आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको ये पसंद भी आ गया और समझ में भी आ गया होगा आपको। अगर आपको पसंद नहीं आई ये वीडियो या पसंद आए मेरे भाई, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर कर दीजिए मेरे भाई अपने दोस्तों के पास, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी एप्लीकेशन है मेरे भाई, आप इसको डाउनलोड करें।